बड़ा माशाल्लाह प्यारा भी है, ठीक हो गया। और ये नया आया मीटर 506,000 रुपये आया रेट, मगर मैं 4500 की ये खाली ये दूंगा। प्राइस है यार ये 1200 रुपये की है, ठीक है। प्राइस है यार ये 1500 रुपये की मिलेगी, ये मैं आपको 1500 रुपये की दूंगा, ठीक हो गया। जाके ना मोटरवे पे रेस लगानी है, क्या प्राइस है यार? ये 800 रुपये का मिलेगा, ये एलुमिनियम का ये। हेलो फ्रेंड एंड अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज अनीश एंड यू आर वाचिंग रजा व्लॉग बाइक। वी आर बैक विद अ गुड एंड अ न्यू व्लॉग, सो डोंट स्किप दिस वीडियो। आज की जो वीडियो बड़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि हम दोबारा से मौजूद है खुरम ट्रेडर्स पे। आप लोगों को पता है खुरम ट्रेडर्स पे आने का एक ही मकसद होता है कि खुरम भाई एक तो समझ ले कि रेट भी इनके बड़े मुनासिब, ऊपर से जो इनके व्यूवर्स हैं देखने वाले जो कमेंट करते हैं वो भी काफ़ी पसंद करते हैं खुरम भाई को, और कहते हैं उनके रेट बड़े मुनासिब हैं। तो हमारे कुछ व्यूवर्स का कमेंट आ रहे थे, मैं हर किसी का कमेंट पढ़ता रहता हूँ। एक व्यूवर का आया था कि यार आप हैंडल बार की वैरायटी दिखाएं, आज हैंडल बार की वैरायटी दिखाऊंगा। उसके अलावा जो कह रहे थे यार पीछे आपके लाइट्स और मीटर की तरफ चलते हैं, तो लाइट और मीटर की वैरायटी भी दिखाऊंगा। इससे पहले भी हम लोग ने बनाई थी, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, मीटर की हमने वीडियो बनाई थी। इसके अंदर आपको अब से तकरीबन कोई 2-3 महीने पहले आई थिंक सो मैंने को बनाई थी, और आज जो आपको दिखाएंगे 2 से 3 मीटर है जो नए हैं, बाकी वही ओल्ड मॉडल के हैं। आपको सारे मीटरों का रिव्यू करवाएंगे। आज जो यहाँ के ऑनर है खुरम ट्रेडर्स के नाम से शॉप, तो खुरम भाई यहाँ के ऑनर है, तो उनसे बात करते हैं, वो हमारे साथ मौजूद है। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। तो चलते हैं खुरम भाई। वालेकुम सलाम रजा, क्या हाल है आपका? आप सुनाए, ठीक ठाक हैं? अल्लाह का शुक्र। तो खुरम भाई वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे पूछना चाहूँगा, बड़े दिनों से मैं जब से वीडियो बनाने आ रहा हूँ तकरीबन 2-3 महीने हो गए जी जी, ये कार्ड लगा हुआ है, ज़रा व्यूअर्स को बताइए कौन है ये? तो यार मैं आपको ज़रा दिखा दूँ पास करके ताकि आप लोगों को पता लग जाए। ये रजा भाई मेरे पीर साहब हैं, पीर सैयद नसीरुद्दीन नसीर साहब, ये बुल्ला शरीफ में ये मेरे पीर साहब हैं। अच्छा ठीक हो गया। तो मैं बताएं ज़रा व्यूअर्स को थोड़ा, मैं ना सामान दिखाने पहले, अब आपने बात की है तो मेरे पीर साहब की, तो मैं उनका एक शेर सुना के और अल्लाह ताला का नाम लेके और ये चीज़ें फिर स्टार्ट करूँगा, ठीक है? ये नसीरुद्दीन नसीर साहब का शेर है, उनकी मजलिस में गनीमत है जिधर बैठ के, दर्दमंदों से ना पूछो कि किधर बैठ गए, उनकी मजलिस में गनीमत है जिधर बैठ गए, है गर्ज दी से यहाँ काम तो कल्लुफ से नहीं, खा इधर बैठ गए खा उधर बैठ गए। वाह भाई वाह, क्या बात है भाई। खुरम भाई का ज़रा शेर चेक करें, कितना कहते होंगे याद किया है, और बड़ा मुश्किल था शेर है। कोई बात तो नहीं रजा भाई, अल्लाह का नाम लेके और पीरों के दुआओं से ही है और आपके वसीले से है, और माशाल्लाह अब आप इंशाल्लाह ताला मैं आपको नई चीज़ें आप दिखाऊंगा, ठीक हो जरा। तो व्यूअर आपने 2 मिनट सब्र करना है और मैं चुटकी भी जाऊंगा खुरम भाई के, देखे किस तरह चेंज होते हैं। 1, 2, 3 फ्रेंड आप देख सकते हैं खुरम भाई पूरे के पूरे चेंज हो चुके हैं। या देखे पहले भी कुछ चीज़ें पहनी हुई थी, नी पैड्स वगैरह जो है खुरम भाई के पास काफ़ी वैरायटी पड़ी हुई है, तो आज इनकी प्राइस भी बताएंगे। अगर आप इस तरह के मॉडिफाई होने जा रहे हैं, खुरम भाई जा रहे हैं रेस लगाने, पूरी स्पोर्ट बाइक के ऊपर बैठ के भाई खुरम भाई ने जाके ना मोटरवे पे रेस लगानी है। मजाक कर रहा हूँ कि रेस रूस नहीं लगानी, वैसे आप लोगों को दिखाने के लिए बताया ये दादा जी। देखें ये वाला, ये फेस मास्क है, ये देखें ठीक है, इसमें वाइट भी है और ये इसमें मल्टी भी है, येलो भी है, ठीक हो गया। तो खुरम भाई आपको जब उतारेंगे तब इसकी प्राइस बताएंगे। अभी अंदर खुरम भाई का बुरा हाल होना है क्योंकि गर्मी बहुत है, पंखा नहीं चल रहा। जब आप बाहर पहनेंगे यहाँ से आपको हवा लगेगी जब आपके फेस के ऊपर, फिर आपको समझ लें अंदर से ठंडा ठंडा रहेगा और आपका मुंह उससे काला भी नहीं होगा, कि आपको पता है आगे जो आप बाहर जाते हैं आपके हेलमेट पहनते हैं बाल ख़राब हो जाते हैं। ये आपका सिर्फ फेस का हेलमेट है, और ये आप देख सकते हैं नी पैड्स हैं प्रो एक्स के हैं, और उसके अलावा आप देख सकते हैं यहाँ पर जो फुट के जाते हैं नी पैड्स वो हैं। खुरम भैया घूंगे ही हो गए, बोल लो ये देखें, ये आप देख सकते हैं खुदा ना खास्ता अगर आपका एक्सीडेंट होता है तो आपको गिरेंगे, आपको ये सेफ्टी है, बोस वगैरह जो है वो बचा लेंगे, ठीक हो गया। तो आपको ज़रा ये उतार के ज़रा व्यू करवाना शुरू करें, क्या चीज़ है इसकी प्राइस क्या है दादा? ये तो आपको पता है हर किसी दुकानदार ने दिखाए हुए हैं पहले भी यूट्यूब पर, ये मेरे पास भी हैं, तो अब मैंने वैसे कैमरे के सामने लाया हूँ, ठीक हो गया। इसकी मैं मुनासिब कीमत रखूँगा, ठीक है ना? दुकानदारों को और सारे कस्टमर को तो पता ही है ऑनलाइन का जदीद दौर है, बिल्कुल है, तो मैं कम ही बताऊँगा ताकि मेरी इज्जत रहे और कस्टमर जैसे प्यार करते हैं वो कायम दायम रहे हमारा प्यार, ठीक हो गया। क्या प्राइस है इसकी? यार इसमें वाइट भी मिलेगा, ठीक है, और ये येलो टैप है, ठीक है ना, ये मिल जाएंगे, ठीक हो गया। यार ये मैं फुल मोहब्बत करके 1300 रुपये का दादा दूंगा, ऑनलाइन हो या लाइव कस्टमर हो, ठीक है। इससे काम नहीं दूंगा, मार्केट में बड़ा चल रहा है इस टाइम, और ये 1300 की समझ लें बड़ी आपको रीजनेबल और बड़ी मुनासिब सी प्राइस मिल रही है। उसके अलावा खुरम भाई जो आपने 2-4 और चीज़ें पहनती नी पैड्स वगैरह, उनके क्या सेट के क्या प्राइस है दादा भाई? वो जो ये है ना ये वाले, ये देखें ये की ये प्रो बैकर के हैं, ठीक है ना, ये स्टील वाले हैं नी पैड्स जिनको हम बोलते हैं, नी पैड्स तो और आपके फुट जो होते हैं और आपके एल्बोस के लिए, इसके साथ जो मैंने डाल के दिखाए थे ये प्रो बाइकर सबसे अच्छी ब्रांड है और ये स्टील वाला है, ठीक है। ये तो भी, ये भी यूट्यूब में आम है, मगर अब रेट ज़रा बढ़ गए हैं, पहले कम थे अब थोड़ा सा ज़्यादा रेट है, ठीक है, मगर मैं अपना रेट फिर भी मुनासिब रखूँ। इसकी क्या प्राइस है यार रजा? ये मैं लाइव और जो भी ऑनलाइन है ना ये मैं आपको 2700 रुपये का दूंगा ये वाला,
ठीक है व्यूअर, आप लोगों को पता है सेफ्टी से जो होता है ना, कहते हैं सेफ्टी के ऊपर कभी आपने कंप्रोमाइज़ नहीं करना। आप स्पोर्ट में 70 भी चला रहे हैं, अगर आप ट्यूरिंग पे जा रहे हैं 70 पे लोग जाते रहते हैं, तो ये आपके लिए मस्ट है। अगर आप खुदा ना खासा कहीं एक्सीडेंट होता है, ये जो आपके देख रहे हैं जो इनके ऊपर मोटे से बने हुए हैं, ये आपके बचा लेते हैं। जो आपको पता है जब नीचे जाके आपने घुटना लगता है तो फ्रैक्चर होने का काफ़ी खतरा होता है, जो आपके एल्बोस वगैरह होती हैं वो भी फ्रैक्चर हो जाती है। ये दादा स्टील का है, ठीक है, ठीक हो गया। उसके अलावा खुरम भाई क्या दिखा रहे हैं दादा? ये तो जो मैंने ग्लव्स डाले हुए थे ये वाले, इसमें ब्लू भी है, ब्लैक भी है, ठीक है, ठीक है ना। इसमें जो कस्टमर कहेगा लाल रेड जो भी है, नीला ब्लैक मिल जाएंगे, कलर मिल जाएंगे, ये आम है। इनकी क्या प्राइस है यार? ये दे दूंगा आपको 650 का सेट, ठीक हो गया। इसमें यूनिवर्सल ये भी बड़े मुनासिब सी प्राइस है मार्केट में, आपको पता चलो 1000 रुपये के सेल हो रहे हैं, 1400 के भी हो रहे हैं, क्योंकि हमें पता है हम लोग क्योंकि मार्केट में वीडियो बनाते रहते हैं, तो इस वजह से क्वालिटी अच्छी है काफ़ी इसके अंदर। और आपको अगर आप टच वाला लेना चाह रहे हैं, वो दूसरे आते हैं, वो ज़रा थोड़े से एक्सपेंसिव हो जाते हैं। तो उसके अलावा खुरम भाई क्या दिखा रहे हैं? सीट हम देख रहे हैं जो टूरिंग के लिए आजकल काफ़ी यूज़ हो रही है यार रजा, ये ना 150 को जो आजकल जो जो भाईजान लड़के वगैरह और जो बड़े उम्र के लड़के जो आदमी टूरिंग पे जा रहे हैं, ये हवा का पंप है। तो व्यूअर आपको मैं बता दूं, इसके अंदर हवा भरते हैं, वो पंप से हवा भरते हैं, तो ये बबल्स टाइप के बन जाते हैं। ये देखो ना, ये वाला पंप ये खुलेगा तो मैं सारा दिखा दूंगा बाद में, या कस्टमर को तो पता ही होता है। ये देखें तो व्यूअर, ये GS 150 के ऊपर पहले मैंने तकरीबन जब देखा था तो मुझे लगता था कि यार ये पता नहीं क्या चीज़ है, फजूल में रखी है, मगर इसके अंदर हवा भरती है। आप लोगों को पता है जब आप लॉन्ग टूर के लिए जाते हैं तो आपको थक जाते हैं, तो आप जब इसके ऊपर बैठेंगे तो आपका बिल्कुल कहता हूँ कि थकने का कोई मुकाम ही नहीं होगा। उसके अलावा इसकी फिटिंग मिलती है, ये इसके साथ पंप मिलता है, आपने ज़्यादा हवा नहीं भरनी, ऐसा ना आप ऊपर बैठे और ठा हो जाए वहाँ। नहीं इतने भी ठीक है, मुनासिब बबलिंग हो जाए जैसे होते हैं, बिल्कुल बबल्स बनना शुरू। ये इससे सॉफ्ट भी होता है, इससे हिप नहीं थकती, और जो भी टूरल होते हैं लड़के बिल्कुल वो थकते नहीं। ये 150 के लिए, ठीक है। इसकी क्या प्राइस है यार? ये फुल मोहब्बत करके 3500 रुपये का दूंगा बस, इससे कम नहीं यार दोस्तों के लिए। ये मैंने फुल मुनासिब आता रहा तो मुझे पता है इसकी प्राइस ज़्यादा होता है। ये 4000 रुपये है मार्केट में, आप फ़ोन करें, फ़ोन लाइव आए, ठीक है, मैं रेट 3500 ये, इससे कम नहीं। कई दोस्त करते हैं मुझे फ़ोन पे यार के, माशाल्लाह कस्टमर काफ़ी आ रहे हैं, अटक से भी माशाल्लाह आज 3-4 ऑर्डर आए हैं माशाल्लाह आपके रेफरेंस से ज़्यादा, ठीक हो गया। कुछ कहते हैं कि काम कर रहे हैं, मगर मैं उनसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि ये मैं बहुत कम रेट दे रहा हूँ, होलसेल रेट हैं बिल्कुल, तो पहले ही मुनासिब रेट। हाँ काइंडली, मेरा अब कंपटीशन बहुत है यूट्यूब पर में ना, बिल्कुल, तो मैं तो अब ना शौकीन डालता हूँ तो ना मेरे पे एक्टिंग है, मैं जो बात करूँगा वही फ़ोन पे है वही यहाँ पे है, ठीक हो। बस मैं यही कहना चाहता हूँ अपने दोस्तों को, ठीक होगा। इसके अलावा खुरम भाई क्या दिखा रहे हैं? बैकलाइट दिखाएं, कैफे रेसर की डबल जो आ रही है यार, ये देखो ये भी अटक की डिमांड है, ये माशाल्लाह ये देखें, ठीक है, ये बड़ी मेटल की है, ये इसके अंदर इंडिकेटर दोनों चीज़ें मिलती हैं। ये मैं चला के दिखाऊंगा बाद में आपको ना, मैं अभी आपको ये दिखा रहा हूँ, ये देखें, ठीक हो गया। ये वाटरप्रूफ भी है, अगर यहाँ से अगर एल्फी लगा लें या कोई इसको सिलिकॉन लगा लें सेफ्टी होगी, बिल्कुल ऐसा ही है। क्योंकि आप लोगों को पता है ये जब ज़्यादा आप बाइक पे लगाएंगे ना, हिलने हिलने से तारे जो होती है ना, वो ब्रेक होना शुरू हो जाती है जब पानी चला जाता है। बिल्कुल ऐसा ही है, ये क्वालिटी बड़ी अच्छी है इसकी, एक जो होती है ना थोड़ी सी हल्की क्वालिटी आती है, जो कि पाकिस्तान में आप लोगों को पता है पाकिस्तान भी चाइना की जब कोई चीज़ आती है उसको देख के कोशिश करता है कि उसकी कॉपी बनाने की कोशिश करें, बनाते हैं, मगर ये क्वालिटी जो है वो काफ़ी अच्छी क्वालिटी है। तो खुरम भाई इसकी प्राइस क्या हो जाएगी फुल ये रजा? माशाल्लाह ये मैं अटक भेज रहा हूँ सामान काफ़ी, ठीक है, इसके साथ जा रही है, ये मैं आपको 1500 रुपये की दूंगा, ठीक हो गया। भैया बड़ी मुनासिब से 1800, ये LED है, प्योर चाइना है रजा, ठीक हो गया। ये भी प्यारी लगेगी, पीछे बैक लाइट जो लगाते हैं ना लोहे की, वो आपको अक्सर मैंने अपने दिखाए होंगे कैमरे में, जाली बनी ये से हट गया जरा, ठीक हो गया, ये इस कैमरा लुक में आ जाएगी। हाँ ठीक है। उसके अलावा करो भाई लाइट्स दिखाएं जरा, फ्रंट जो आपको पड़ी नहीं है ये दादा देखो, अब लाइट्स ये नई चीज़ है, बल्कि ये भी कमाल किस्म की लाइट है, ठीक है। व्यूअर इसके अंदर आपको ये DRL मिलता है, और जो इसकी रोशनी के लिए अंदर वो देख सकते हैं आप, मैं समझ लें बड़ा एंटीक किस्म की चीज़ है, और ये अभी तक मार्केट में मैंने नहीं देखी, शायद आपने देखी हो किसी के पास पड़ी भी होगी, मगर मैंने आज तक अभी तक किसी के पास नहीं देखी। तो खुरम भाई इसकी प्राइस क्या होगी? ये रजा मैं आपको ना DRL भी, इसमें वाइट भी है और इसमें येलो भी है, ठीक है ना, ये इसकी बैक ये देखिए, ये मेटल है, ठीक हो गया, ठीक है ठीक है। इसकी क्या प्राइस हो जाएगी यार? ये रजा मैं दे दूंगा ये 4500 रुपये की दूंगा, ये वाली खाली, ठीक है, मुनासिब सी प्राइस है। ये 5500-6000 रुपये है रेट, मगर मैं 4500 की ये खाली ये दूंगा, ठीक है। इसकी जो फिटिंग होगी वो लादा मैं मिल जाएगी मुझे, वो भी अगर भी YBR GS पे लगवाना चाहते हैं वो तो एज इट इज लग, हाँ लग जाएगी, सेम गड़ा भी है और हांडी भी वही है, ठीक हो गया। बहुत प्यारी इसकी वाइटनेस बहुत तेज़ है यार, बिल्कुल आपको पता है व्यूअर्स के अंदर जो आपको डीआर लगाई आपके जब थ्रो फेंकेगा बिल्कुल सीधी लाइन के अंदर फेंकेगा, फिर आपको पता लगेगा क्या चीज़ है ये। उसके अलावा खुरम भाई क्या नेक्स्ट दिखा रहे हैं यार? ये देखिए ये मोक्सी का हैंडल है, ठीक है, ये चेक करनी जरा, ठीक हो गया। ये चाइना मार्केट में बहुत बहुत कम है, आपको जितने भी
जो कहते हैं ना दुकानदारों के पास देखने को मिला, किसी का नाम तो नहीं लूंगा, उसके ऊपर मॉक्सी का जो होता है ना वो नहीं आपको देखने को मिलता। तो ये वाला अब हम चेक करते हैं, इसके ऊपर अगर मॉक्सी का मोनोग्राम हुआ ना तो समझ लें आपको बिल्कुल A1 जो है वो मिलेगा। मुझे रजा फ़ोन भी आते हैं 2-3 कस्टमरों के, अपने दुकानदार भाइयों के, तू रेट बड़े हल्के दे रहा, क्या कर रहा है यार यूट्यूब में तू अपने रेट हल्के कर रहा है, तेज कर थोड़े रेट, क्योंकि मार्केट मुकाबला है। तो मैंने कहा भाई मेरी मर्जी, मैं अपने भाव भाव दे दूँ, तुम आप लोगों को क्या मसला है, जो लड़ना लड़ लेना, वो मैं लड़ने वाला तो नहीं हूँ, खैर मेरे रेट मैं जहाँ मुझे 150 मैंने दे देना, ठीक हो गया। उसके अलावा करम भाई इसके जो हैंडल के जो लगते हैं अंदर वो दिखाएं, वो सबसे मेन चीज़ होती है क्योंकि मॉक्सी के वो बड़े चेंज होते हैं जो लोकल चल रहे हैं मार्केट में। वो दादा ये देखो ये पैप है यार शादे, ठीक है ये देख, ये तो कस्टमर को सब पता है मैंने क्या दिखाना है यार, सब माशाल्लाह आजकल जदीद दौर है, मैं ये नहीं कहता मेरा बना हुआ है, ये मैंने बनाया है, ये चाइना ने बनाया है भाईजान, हमने सिर्फ डिस्ट्रीब्यूटरों से लेना है, ठीक हो गया, ये मेरा जाती नहीं बना हुआ, ठीक हो गया। ये देखो ठीक है, इसमें लाल भी है, इसमें ब्लू भी है, इसमें काला भी है, 3-piece हैंडल है, यूनिवर्सल है, 71-5 कैफे डे सको ये लग जाती हैं, ठीक है। उसके अलावा करम भाई थोड़ी सी बात बता दे कि कोई अगर वीवर के होलसेल में लेना चाह रहा है चीज़ें आपसे तो मिल जाएंगी? तो यार रजा मैं ये होलसेल ही रेट शादे दे रहा हूँ। नहीं नहीं मतलब कि आपसे एक पीस ने वो कोई 20-30 पीस उठाना चाह रहा है यार, अगर वो 20-30 लेता तो फिर मैं कुछ 50 रुपये कम कर सकता हूँ, ये एक वाले को नहीं, ये होलसेल मैंने बहुत कम मार्जिन रखे हुए हैं यार। बिल्कुल मैं तो आप प्राइस के बारे में बात कर लें, जुमा जुमा 8-10 दिन हुआ है मुझे यूट्यूब में आए, बिल्कुल ऐसे तो बड़े 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 इधर बब्बर शेर बैठे हुए हैं, बिल्कुल ऐसे ही है, तो मैं नाम तो नहीं लेना चाहता, ये भाई जान 1200 रुपये का मिलेगा ये, ठीक है। व्यूअर जो आपको दूसरा मिलता है वो तकरीबन कोई वो भी इतने तक का रेट चल रहा है, मगर ये मॉक्सी का है तो आप लोगों को पता है मॉक्सी के जो है क्वालिटी वाइज इसके ना बोल्ट अच्छे हैं, जंग लूद नहीं है, काले नहीं है, खुद नहीं बनाया हुआ, ठीक है ना, ये देखो चाइना की वरायटी है ये, ठीक हो गया। तो व्यूअर बड़ी अच्छी चीज़ है, दिखाने वाला जो सा मर्जी कह दे, ठीक हो गया। खुरम भाई इसके अलावा क्या दिखाने जा रहे हैं यार? ये जदीद एक किस्म का मीटर आपको है। ये भी थोड़े से मीटर दिखा रहा हूँ मगर उस तरफ भी लेके चलूँगा आपको दिखाएंगे, क्योंकि हम लोग इस तरह के नहीं है कि वीडियो लोग कहें और हम ना बनाए इस तरह। ये रजा जदीद कैफे रेसर के लिए, ये देख बड़ा माशाल्लाह प्यारा भी है, ठीक हो गया। और ये नया आया मीटर, ठीक हो गया जी, मैं नहीं कहता कि मेरा है, ये भी चाइना का ही है मगर ये मकलोर रोड में कम ही आया है, और ये सेंसर वाला है, इसमें केबल नहीं है दादा, मैं कस्टमर को भी नुमाया करके दिखाना चाहता हूँ, छुपा के नहीं कि यार ये केबल वाला है, ये सेंसर वाला है, ठीक हो गया, सेंसर के साथ चला। अच्छा ये क्या चीज़ है, ये वैसे ही लगा हुआ है कि बटन है कोई? ये इसका कोई सेटिंग होगी ना दादा, इसकी कोई चेंजिंग होगी ना अंदर से, रंग चेंज कलर वगैरह, बिल्कुल चेक करा दूंगा ना मैं आपको, तो ये आप चेक करेंगे तो इसके साथ सेंसर भी है दादा, ये देखें, ये देखो, ठीक है व्यूअर आपको कंप्लीट फिटिंग मिलेगी, ये सेंसर है इसके साथ, और मीटर बड़ा न्यूज़ है, आपने शायद, आप तो वीडियोस देखते रहते हैं, आप लोग ने शायद किसी दुकानदार के पास देखा हो मगर मैंने अभी तक किसी के पास नहीं देखा कि खुरम भाई के पास एक मैंने बड़ी एंटीक किस्म की चीज़ है। इसकी क्या प्राइस हो जाएगी यार? ज़रा ये ज़रा मीटरों से हटके है, ये 6500 रुपये का है, ठीक हो गया, मुनासिब प्राइस है वैसे भी। और एक चीज़ भी कहते हैं ना, कभी भी ये कहते हैं ना क्वालिटी के ऊपर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना, आप हल्की चीज़ की तरफ कभी भी ना जाइएगा। फिर दिखा रहा हूँ केबल वाला नहीं है, ये सेंसर वाला, ठीक है, हमें मालाबाद में सर ना फाड़े कि यार तूने केबल वाला कहा था, ये सेंसर है, ठीक हो गया ये, ठीक हो गया। उसके अलावा करम भाई दो एक और मीटर पड़ा है गोल, ये रजा आज मैंने ना अटक भेजना है, ये भी कम ही है, ये देखो ये भी सेंसर वाला है, मार्केट में काफी चला, ये देखो, मगर नहीं ना वो केबल वाला है सर। अच्छा, ये अच्छा। कस्टमर ने कहा मैं तो इसे तब सामान लूंगा कि मुझे तू सेंसर वाला ला के देगा, ठीक हो तो ये मैंने माशाल्लाह काफी ऑर्डर है मेरा, ये अगर आप दिखाएं कैमरे के जरिए, मैंने रिम भेजने हैं 1-5 के भी हैं, और ये 70 का सेट है, अटक में जाना है, तो ये मैंने मीटर उनके तब उनकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक मैंने दिया लेके, ठीक ये नहीं मिलता मैक्लोर रोड में सेंसर वाला, ये भी ठीक है। इसकी क्या प्राइस है यार? ये दूंगा, ये मैंने सेंसर वाला उनको दिया 5500 रुपये का, सेंसर में सेंसर महंगा है, सेंसर मिलता नहीं है एक्स्ट्रा, कोई नहीं दे सकता, बिल्कुल ऐसे, मगर मैं सेंसर अफोर्ड कर दिया मैंने, ठीक हो गया। इसकी क्या प्राइस है? ये 5500 का दिया सेंसर, सेंसर वाला, सेंसर के अगर सेंसर वाला नहीं लेना तो वो 3500 रुपये का, ठीक हो। इसका सेंसर बड़ा महंगा रहता, बिल्कुल ऐसे ही है, ये सेंसर वाला नहीं है, ठीक हो गया जी। खुरम भाई आगे क्या दिखाने जा रहे हैं हमें? जी दादा ये इतने देर वक्फा हो गया था, दादा कस्टमर आ गए थे ज़रा फैसलाबाद से, तो मैं उनका भी आपके सामने व्यू कराऊंगा, ये स्पेशल आपका चैनल और मेरी माशाल्लाह कस्टमर की देख के आए हैं, ठीक है। मेरे तो ये स्पेशल फैसलाबाद से GS 150 पे आए हैं, और उसके अलावा आपको पता है कि वीडियो देख कर आए हैं, और इतनी दूर से समझ लें कि सफ़र करके आना बड़ी मुश्किल बात है। इन्होंने दादा भाई ये इन्होंने ये सिलेंसर लिया है, ठीक है, इनकी डिमांड के मुताबिक, हाँ, और इन्होंने ये YBR को ना
ये बैंड लिया इन्होंने चाइना का ओरिजिनल, ठीक है ना, ठीक हो गया। जो मैंने रेट दिए थे ना कस्टमरों को यूट्यूब में, ये वही मैंने रेट लगाए हैं अपने भाइयों को, ये सामने लाइव बैठे हुए हैं, ठीक है। ये तो व्यूअर जरा इनसे थोड़ी सी बात करते हैं, इनसे जरा पूछते हैं, तो जरा व्यूअर को थोड़ा सा गाइड करें कि किस तरह का रेट दिया। अस्सलाम जी, जोन से इन्होंने यूट्यूब पर लिखे थे, मैंशन किए थे, वही रेट दिए इन्होंने, बहुत अच्छे रेट हैं, आप भी आए और कोई मसला नहीं, हर चीज़ ओरिजिनल है, ठीक हो गया। उसके अलावा व्यूअर्स, आप इनको हमने एक बात की थी कि अगर आप मिसाल के तौर पे आप कहीं पर भी है, पिंडी में है, फैसलाबाद में है, कराची से है, आपको जो है डिलीवरी वगैरह करवा देंगे, क्योंकि ये एक दफ़ा आ चुके हैं, ये मुतमिन हो गया ना कुरम भाई से, अभी अगली बार जो इन्हें चीज़ मंगवानी होगी वो लाहौर से बैग के बस कुरम भाई को ऑर्डर करना है और पैसे वगैरह जो होंगे वो कुरम भाई खुद कर लेंगे। ये दादा भाई एक बाइक में तीन जने आए हैं माशाल्लाह, और कहते हैं हमें पुलिस वालों ने बकरन की मेहरबानी है, एक ने रोका था और उनसे बात किया, जरा उन्होंने कहा चलो ठीक है आप चले जाएँ, ठीक है। अभी और हम भी दुआ करेंगे खैर खैरे से घर पहुँच जाए, क्योंकि आप लोगों को पता है इनकी मैं भी इनकी एज का हूँ, मगर इनकी समझ लें इतनी एज नहीं है, नहीं, हमारे घर वाले नहीं इतना जाने देते दूर निकलने, मगर इनको इजाज़त वगैरह मिल गई, चले अच्छी बात है कि अपने शौक वगैरह पूरे करने के। नहीं, इनकी मेहरबानी है, मैंने इनको कहा ना ना आप यूट्यूब से मुझे जो भी ऑर्डर होगा इधर से भिजवाएं, आप स्पेशल ना इतनी दूर से यार, तीन जने रिस्क लिया ना, मेहरबानी इनकी इतनी दूर से आए हैं यार, ठीक होगा। इसके अलावा आप व्यूअर आपको दिखाते हैं भाई, यार रजा ये जो कैफे जैसे के लड़के काफ़ी मुझसे जो सामान लेते हैं ना बैग मुड़गाड़ के साथ तेल लगती है भाई, ये भी हसमेर आया था, ये मैंने स्पेशल बता रहा हूँ, मुझे फ़ोन पे दो तीन ऑर्डर आए हैं इसके, ठीक हो गया। तो कस्टमर कहते हैं कि यार ये वाली दुमची बैग ना ज़्यादा भेजा करें, वो बैग मुड़गाड़ ना भेजा करें, 71.5 करना, ठीक हो गया। तो ये वाला देखें, इसके अंदर लाइट भी जलती है नंबर प्लेट के लिए, ठीक है। और ये इसके अंदर लाइट इधर भी चलेगी, ब्रेक लाइट की होगी, और इसकी क्या प्राइस है भाई? यार ये 1500 रुपये की मिलेगी, ठीक है, मुनासिब सी प्राइस है और चीज़ काफ़ी अच्छी है, इसके अंदर आपको डबल लाइट का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। उसके अलावा खुरम भाई क्या दिखा रहे हैं? यार ये वाला ये देखा है आपने, ये हैंडल के आगे लगता है, हैंडल बार 150 के लिए, जिसको आप बोलते हैं हैंडल के लिए, अगर खुदा ना ये किस लिए होता है, खुदा ना खासा अगर आपका एक्सीडेंट होता है तो आपके जो हाथ है ना वो बाहर जो निकलने से ना रगड़ पड़ने से आपको बचा लेंगे, उसके अलावा आपके पता है जो आपके क्लच लीवर है वो टूट जाता है वो भी, उससे भी आपको बचा लेंगे। इसके अलावा एक बड़े साइज़ में भी आते हैं, वो काफ़ी एक्सपेंसिव है, ये ज़रा सस्ती कीमत है। खुरम भाई क्या प्राइस है? यार ये 800 रुपये का मिलेगा, ये अलमुनियम का, ये ठीक है, बड़ी मुनासिब सी प्राइस है व्यूअर, एक चीज़ भी अच्छी है आप लोग लगवाएंगे फिर आपको। उसके बाद खुरम भाई ये HJG के लाइट्स हैं वो दिखाएं, ये मैंने दिखा दी है, ये उसकी पैकिंग है बस, ये दादा ठीक हो गया। उसके अलावा ये बल्ब आप लेके आए हैं जो मल्टी, ये LED बल्ब है यार, ये जो है हेडलाइट के अंदर लगती है ना, जो HJG के, ये अक्सर मैंने दिखाए होंगे 70 के लग जाएगा, ये 125 70 के 150 में तीन कलर है यार, यूनिवर्सल है, किसी में लग जाएगा, ठीक है। इसकी क्या प्राइस है? यार ये 1200 रुपये की है, ठीक है। व्यूअर्स की बड़ी मुनासिब प्राइस की थ्रो वगैरह जो काफ़ी होगी, अच्छा खुरम भाई जरा उसके अलावा जरा व्यूअर्स को लेके चले, जो आपको बताया था कुछ व्यूअर मांग रहे थे मीटर और हेडलाइट की तरफ लेके चलना, थोड़ा सा हेडलाइट देख लो रजा भाई, वो मैंने आपको दिखाया तो हुए हैं कि ये देखें, आए कैमरे के साथ आप इधर दिखाएं, ये मीटर दिखाएं इनको, ये वाले एसबीओ आया था, ये वाले देखें, ये डबल मीटर जो अक्सर मैंने यूट्यूब में लगाए हैं, काफ़ी मेरे चैनलों में अभी आपकी मूवी के जरिए आ रहे हैं। अच्छा खुरम भाई जरा व्यूअर को गाइड कर दे, कहाँ से प्राइसेस स्टार्ट हो रही है, वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, कहाँ से स्टार्ट हो रही है, कहाँ तक जा रही है? यार 7000 रुपये का भी है, 6500 का भी है, 3500 रुपये का भी है, 5500 रुपये का भी है, मुख्तलिफ चीज़ों के साथ है यार, वो मुझसे रेट करें, तस्वीर भेजें, मैं कस्टमर को हमेशा कहता हूँ कोई चीज़ ना भी मेरे पास होना तो आप मुझे तस्वीर भेजें, मैं प्रोवाइड करूंगा और मुनासिब कीमतों में आपको डिलीवरी करूंगा, ठीक है। उसके अलावा जो लाइट्स जो पड़ी है, लाइट्स की वैरायटी के बारे में बताएं व्यूअर्स को, कहाँ से स्टार्ट हो रही है, कहाँ तक प्राइस है लाइट? यार ये खोपड़ी वाली आजकल मेरी ज़्यादातर, ये भी दो तीन दिनों में ना ये भी मैंने भेजी है काफ़ी यूट्यूब में ना, ये वाली खोपड़ी दिखा चुके हैं लाइट्स वगैरह, ये ज़्यादा बिक रही है। और ये YBR की एक है, ठीक है, ये भी 2200 रुपये की, ये देखें ये YBR की जनवन है, 150 को लगा लें, ठीक है जी, इसको ये उन्हीं को सूट करती है, 70 को नहीं ये सूट करती है ये वाली, ठीक हो गया। इनकी क्या प्राइस है लाइटिंग की, कहाँ से स्टार्ट हो रही है, कहाँ से जा रही? ये रहता 2200 रुपये की है, चाइना की ओरिजिनल, इसका फोकस बड़ा प्यारा है यार, ठीक हो गया। इसके अंदर व्यूअर आप बल्ब लगवा सकते हैं, जो आपको पहले वो दिखाया था 1200 तक का था, उसके अंदर आप इजीली लगवा। उसके अलावा खुरम भाई वो छोटा मीटर जो पड़ा हुआ है डिजिटल आता है, जो YBR वगैरह में काफ़ी बाइकों में लगे, ये दिखा दें जरा व्यूअर को, चेक करवा दे क्या चीज़ है ये। यार ये उसी का छोटा भाई है जो मैंने वो दिखाया ना, बड़ा एग्जैक्ट का जो, हाँ वो 6500 का ना, वो इससे थोड़ा सा एंटीक है, जरा छोटा सा हो गया, इसमें ये पहले भी दिखाया होगा आपको शायद, ये उतर जाता है प्लास्टिक बाटी। तो व्यूअर आपको बता चलो, जो आप कहते हैं कावासाकी जी जो 900 भी आती है और 1000 आता है, उसके अंदर इस तरह के मीटर लगे तो वो जरा साइज में बड़े होते हैं, ये छोटा सा मीटर आपके समझ लें कि वैगो 150 जो आती है YBRS के अंदर आपके लिए इजीली जो है ना वो मीटर निकाल के इजीली इसकी जगह पे फिट हो जाएगा। इसकी क्या प्राइस बताइए? इसमें फ्यूल भी है, गेट भी है, ठीक है ना, इसमें टाइम भी है, ये कलर भी है, ये वही है जो आप बता रहे थे डिजिटल मीटर जो होता है उसके अंदर, ये किसी के सेंसर के साथ चलेगा कि तार लगेगी? नहीं नहीं सेंसर है यार, इसके बगैर नहीं चलना ये, सेंसर ठीक हो गया, ये सेंसर के साथ चलेगा। और उसके अलावा खुरम भाई जरा सबसे एंड पे फोन नंबर लोकेशन की बात कर ले थोड़ी सी। फोन नंबर यार मेरा वही है, 3214557196 मकलोर रोड अल हबीब मार्केट है और लोअर रोड के पास है, मुझे फ़ोन करें जो भी ऑर्डर हैं उनसे, मुझे ज़्यादा माशाल्लाह ऑर्डर आ रहे हैं,
तो हंसवे रात में आपको ईमानदारी के साथ भेजूंगा भी, आपकी मानते जब जायज क्या शादी में उसी दिन, यकीन करें मैंने किसी कस्टमर का ये नहीं कहा कि आज नहीं कल भेजूंगा, मैंने उसी दिन भेजा और माशाल्लाह मुझे सारों ने शाबाश भी दी है। ठीक है, उसके अलावा खुरम भाई के वीडियो बना रहे पीछे से वाजे आ रही थी, मैं आपको दिखा दूँ बिल्ला भाई भी यहाँ पे खड़े हुए हैं, किसी के कस्टमर भी हैं, बाइक मॉडिफिकेशन का काम मैं 0309 10 13 211 किसी किस्म का भी आपने किसी बाइक का काम करवाना इंशाल्लाह ताला बहुत अच्छा काम करके कस्टमर खुश होंगे इंशाल्लाह हमारे। इसके अलावा अगर आपको दिखा दूँ कि सेकंड हैंड जो लॉयरिम्स है, अगर आप न्यू लेना चाह रहे हैं, हर किस्म के आपको लॉयरिम्स है जो खुरम ट्रेडर्स से खुरम भाई के पास देखने को मिल जाएंगे। इस साइड पे देख सकते हैं, इस साइड पे काफ़ी डिस्प्ले लगा हुआ है, बाहर जो है वो काफ़ी डिस्प्ले लगा है 70-125। जिस किस्म के आपको ड्यूलर्स के है वो नहीं आते, आप लोग को हर वीडियो में बताता हूँ, और एक भाई है वो हर वीडियो में वही बंदा हर दफ़ा भाई कमेंट कर देता है भाई ड्यूलर्स के नहीं आते लॉयरिम्स, और आपको अगर आए भी तो ना मार्केट में तो आपको पता लग जाएगा। तो वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच एंड अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।